हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखेंगे महाराष्ट्र जो है फिर से 5 साल के बाद शुगर प्रोडक्शन में नंबर वन स्टेट बन गया है। किसको पिछाड़ के? उत्तर प्रदेश को। 5 साल बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र ने फिर से अपना पोजीशन हासिल किया है। तो क्या क्या रीजन था जिसके कारण महाराष्ट्र फिर से नंबर वन बना है और किस किस कारणों से उत्तर प्रदेश पीछे गया है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र जो है फिर से 5 साल के बाद नंबर वन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुका है और उत्तर प्रदेश को इसने शुगर प्रोडक्शन में पीछे किया है। जो ओवरऑल प्रोडक्शन था महाराष्ट्र का बताया जाता है 138 लाख हुआ था इस ईयर 2021-22 में, और जो टोटल शुगर प्रोड्यूस बाय उत्तर प्रदेश था वो था 2021-22 में कितना, 105 लाख टन। तो यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र जो है काफ़ी लंबे या काफ़ी बड़े अंकों से आप देखेंगे आगे गया है। अब जो रीजन है ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्शन हुआ है इसका क्या क्या कारण था, तो देखिए मेनली कारण बताया जा रहा है कि आपको देखिए शुगर केन में बहुत ज़्यादा आपका पानी का रिक्वायरमेंट होता है। जब शुगर केन की आप गन्ने की खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पानी चाहिए होता है। महाराष्ट्र में एडिक्वेट पानी था, वहाँ पर सरकार ने आप देखेंगे अच्छे से रिजर्वायर बनवाया, नेटवर्क ऑफ कैनाल्स बनाया, ग्राउंड वाटर बनवाया, ये सब अच्छे से बनवाया। आप वहाँ पर रेनफॉल भी प्रॉपर सही तरीके से हुआ, तो यहाँ पे आराम से किसान जो है शुगर प्रोडक्शन बहुत ही बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे किए। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो बताया जा रहा है कि टोटल रेन वाटर जो था यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा हुआ, यहाँ पे मोर सफिशियंट रेनफॉल हुआ साउथ वेस्ट मानसून के कारण सीजन में। और यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ वेदर कंडीशंस भी वैसा फेवरेबल नहीं था, ये एक रीजन है। यहाँ पे अगर आगे देखेंगे कि जो केन का प्रोडक्शन है, पहले महाराष्ट्र में क्या होता था कि वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो बस जैसे तैसे यहाँ पे देखेंगे मेजर कर लेती थी, डाटा एनालाइज कर लेती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि गवर्नमेंट पूरे अच्छे तरीके से डाटा उसने लिया है हर जगह से, तो यहाँ पर डाटा एक्यूरेट होने के कारण भी एक रीज़न यहाँ पर बताया गया है। अब शुगर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में लो क्यों हुआ? देखिए शुगर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में लो हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसान ने गन्ना एकदम कम कर दिया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका एक और रीजन है कि शुगर प्रोडक्शन में इसलिए कम हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किसान पहले क्या करते थे, गन्ना उपजाएं उसके बाद उसको शुगर मिल में लगे और वहाँ से चीनी का उत्पादन उससे होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि शुगर केन से किसानों ने चीनी नहीं इथेनॉल बनवाया है। यहाँ पे आपने देखा हुआ रिसेंटली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अब हम लोग पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं और उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के सामने आया था क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। तो यहाँ पे देखेंगे इथेनॉल क्या है, शुगर केन से ही बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के किसान ने डाइवर्ट किया है, वो शुगर मिल को शुगर का प्रोडक्शन छोड़ के इथेनॉल की तरफ जा रहे हैं। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश है वो लार्जेस्ट यहाँ पे देखें इथेनॉल प्रोड्यूसर स्टेट बन चुका है पूरे भारत में। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 12.60 लाख इक्विवेलेंट ऑफ शुगर फ्रॉम केन हैव बीन डाइवर्टेड, मतलब जितना इससे शुगर उतना निकल सकता था उससे ज़्यादा सिमिलर उसी का आप देखेंगे यहाँ इथेनॉल बनाया गया। और सेम आगे का भी आप डाटा देखेंगे 2021-22 का, 2018-19 का, तो जितना इसमें शुगर केन में लगता इतना मिलियन टन या फिर इतना जो भी उसका मेजरमेंट था उतना ही सिमिलरली हम लोग इथेनॉल में उत्तर प्रदेश ने यूज किया है। उसके बाद देखेंगे एक्सेस रेन जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ लॉगिंग का कंडीशन भी बना दिया है जिसके कारण थोड़ा सा नुकसान हुआ है। आपको पता है अगर कोई भी क्रॉप होता है तो अगर वेदर फेवरेबल नहीं हो, अगर मौसम साथ ना दे तो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे किसान को हल्का सा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद जो मेजोरिटी ऑफ लैंड है शुगर केन एरिया इन उत्तर प्रदेश, मतलब 87% यहाँ पे एक ही सिंगल वेराइटी किसान लगाते हैं, वो है कौन सा, CO0238। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं और उत्तर प्रदेश में आप अगर रह रहे हैं और आप अगर गन्ने की खेती आपके आसपास कोई कर रहे हैं, आप उससे फैमिलियर हैं, तो ये नाम आपको कहीं ना कहीं पक्का आप सुनेंगे कि 238 वेराइटी। तो 238 वेराइटी को 87% लैंड पे यूज किया जाता है, किसान यूज करते हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वेराइटी नहीं है, वहीं कंपेयर करें महाराष्ट्र में तो वो लोग हाई यील्डिंग वेराइटी यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड यूज कर रहे हैं, हम लोग भी यूज कर रहे हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में, पर उतना हाई यील्डिंग वेराइटी ये नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि जो आपका ये 238 वेराइटी है ये रेड रॉट फंगल डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा हाईली ससेप्टेबल है। हाईली ससेप्टेबल है मतलब अगर ये आ गया उस गन्ने पे ये डिजीज़ तो उसको डैमेज करेगा ही करेगा, और उसी का आप यहाँ पे खामियाजा देखेंगे उत्तर प्रदेश के किसानों को देखने को मिला, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है 238 पे। तो बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट है, एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि
किसानों को क्या करना चाहिए कि CO0118 और CO0150023 ये जो है आराम से यूज कर सकते हैं हम लोग 0238 के जगह पे। ये क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये गन्ना वैरायटी हम लोग लगाएंगे तो अगर रेट रॉट डिजीज इस पे आएगा भी तो ये गन्ना आसानी से उसको सह लेगा, ये रेजिस्टेंट है, कुछ उसका कर नहीं पाएगा, वो आराम से अपना ग्रो करते रहेगा, कुछ आए भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एक ही वेरायटी 238 यूज करें या फिर ये अलग अलग वेरायटी जो है यूज करना चाहेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश के किसान अगर ये वैरायटी यूज नहीं करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे सिमिलरली उतना का ही उत्तर प्रदेश इथेनॉल भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पूरा एग्जैक्टली नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा पिछड़ गया, हाँ हल्का सा पीछे हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे किसी और चीज़ में नंबर वन यहाँ पे उत्तर प्रदेश बन गया, क्योंकि शुगर कैन से जहाँ पे वो पहले शुगर बना रहे थे, चीनी बना रहे थे, अब शुगर कैन से ये लोग इथेनॉल बना रहे हैं। अब यहाँ एक टेबल देखेंगे ईयर वाइज कैसे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में हमेशा आप देखेंगे कंपटीशन सा दिखता नजर आएगा। देखेंगे 2013-14 में महाराष्ट्र जो है वो आगे था उत्तर प्रदेश पीछे, 2014 में भी महाराष्ट्र आगे रहा, 2015 में भी आप देखेंगे महाराष्ट्र आगे था, 2016-17 में भी आप देखेंगे सॉरी 2013-14 में तो आप देखेंगे महाराष्ट्र आगे था, लेकिन 2014-15 तक महाराष्ट्र भी आगे चला, 2015-16 महाराष्ट्र आगे रहा, 2016-17 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आगे हो गया, और 2017-18 में भी उत्तर प्रदेश आगे रहा, और लास्ट में देखेंगे 2021-22 में फिर से उत्तर प्रदेश पीछे हुआ, महाराष्ट्र आगे हुआ। तो देखिए तो एक स्टेट में कॉम्पिटिशन अच्छा है, क्योंकि इससे हम देखेंगे दोनों राज्य ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमारे लोगों को, देश के लोगों को भलाई होगा, और बाद में हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रिसेंटली देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीनी एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा और मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें चली जाएगी, तो यहाँ पे भारत सरकार ने इसको बैन किया था, रेस्ट्रिक्ट किया था। तो जब हमारे राज्य जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग आराम से अपने डोमेस्टिक मार्केट का नीड पूरा कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, इससे फर्दर रिलेटेड कोई वीडियो आएगा या कोई इससे न्यूज आएगा तो मैं आपको इसके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, जय हिंद।